हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंग्लिश क्लास 15 को स्वागत। तो फ्रेंड्स, निहाती भावे आपण जदि वीडियो टी को देखुचंती सफलता आड़कु आगोचंती। तो फ्रेंड्स, एई चैनल द्वारा आगुरु मध्य बहुत प्रैक्टिस सेट तैयारी करा हिची, एआरआई ओमिन पे करा हितला, एएसओ पे करा हितला। तो एआरआई ओमिन रे जे माने इंग्रजी सेट नैतिले, मैथ सेट नैतिले, सेई सब प्रश्न गुडी को सेमानको एग्जाम रे 80-90% आसीदिला। तो पीओ पई मध्य आमे सेमिति प्रिपेयर करिछे, आपण जदि नेबा को चाहिबे एई चैनल को कांटेक्ट करि परिबे एई व्हाट्सएप नंबर रे 8658984556 रे 200 क्वेश्चन विद आंसर रहिछे इंग्रजी रे, जाके 59 रुपीज रे आपण पाई परिबे। तो मैथ रे मध्य सेमिति रहिछे, 59 रुपीज रे मैथ मध्य पाई परिबे। जदि बोथ सब्जेक्ट नेबे ताहेले आपण ओनली 99 रे पाई परिबे डिस्काउंट सहित। तो देखंतु आज प्रथम प्रश्न, जे स्टेशनरी डैश सोल्ड इन दिस शॉप 70 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो बहुत लोक एक क्वेश्चन भूल करती, स्टेशनरी डैश सोल्ड इन दिस शॉप। तो फ्रेंड्स देखंतु केतेटा शब्द अछि, जेमदिक स्टेशनरी, फर्नीचर, क्लॉथिंग, एई सब कोन होय सिंगुलर वर्ब सहित होइथाय। तो एठी सिंगुलर वर्ब कोन जना इज अछि। तो स्टेशनरी इज सोल्ड इन दिस शॉप हे, स्टेशनरी, क्लॉथिंग, फर्नीचर, एटा सब कोन करिवो सिंगुलर वर्ब धरिवो। सेकंड क्वेश्चन अछि, 70 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। 70 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये किलोमीटर्स अछि, प्लुराल अछि, 70 किलोमीटर्स अछि। तो सेथि पई यदि आपण आर करि देबे ताहेले एटा भूल हे जइबो। तो ये कौन हबो ना 70 किलोमीटर्स इज हेबो। काहेकि इज हेबो, देखंतु 70 किलोमीटर्स माने गोटिए गोटिए करी 70 किलोमीटर्स नुह, ये कौन कहूँ ना 70 किलोमीटर गोटिए लंबा दूरता। तो ये माने गोटिए धारणा को बुझौछि, गोटिए नोशन को बुझौछि। तो सेथि पई 70 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस हेबो करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन फर्स्ट हे जो करेक्ट आंसर। तो देखंतु नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आमे करिबा, He paid the bill dash credit card, he paid the bill dash cash। तो एटा मध्ये देखो एठी कोन समान कथा लेखा हिची, he paid the bill, he paid the bill, credit card अछि एठी cash, ये दुटा खाली चेंज हिची। तो कोन हबो ऑप्शन कोन अछि ना buy with in कोन सेटा करेक्ट हबो आमे देखिबा। तो फ्रेंड्स मन रखंतु, जेते बेले आपण बिल टा क्रेडिट कार्ड माध्यम रे पे करूछंती, हि पेड द बिल क्रेडिट कार्ड माध्यम रे यदि पे करूछंती, सेन सेठी कोन लागिबो ना बाय लागिबो, एटा मने रखंतु। एवं जदि आपण कैश देउछंती, किछि गुटे किनिले एवं पैसा देउछंती, ताहेले सेही जगह रे कोन लागिबो ना इन लागिबो, हि पेड द बिल इन कैश। एटा इम्पोर्टेंट माने बहुत इम्पोर्टेंट, जेहेतु एटा एक्सेप्शनल क्वेश्चन क्वेश्चन सेथि पई एग्जाम रे आसी थाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, ता पूर्वरु एटा होचे आपनकर 15 नंबर क्लास, या पूर्वरु 14टी क्लास आमे करि सारिछे, सेटा यदि देखिबा पई चाहिबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्लेलिस्ट रो लिंक अछि, सबु वीडियो आपन देखि पारिबे। आ गोटे इम्पोर्टेंट कथा हला, आपन टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करंतु, अपडेट पाई पारिबे, वीडियो रो अपडेट पाई पारिबे, किछि पीडीएफ मध्ये पाई पारिबे, लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया हिछि। आइदर यू और ही डैश क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, आइदर यू और ही डैश क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, आइदर और जदि नाइदर नर जदि लागिछि ताहेले कोन हबो, कोन हबो आइदर यू और ही अछि। तो एटी केतेडा सब्जेक्ट अछि ना, दुइटा सब्जेक्ट अछि, वन हला यू आ गोटे हला दुइ नंबर हला ही, दुइटा सब्जेक्ट अछि। तो जेउ सेंटेंस रे दुइटा सब्जेक्ट थिबो एवं आइदर और लागिथिबो, कोन लागिथिबो आइदर और लागिथिबो, ताहेले नियरेस्ट सब्जेक्ट, वर्ब रो नियरेस्ट सब्जेक्ट बा दुइटा जदि सब्जेक्ट थिबो दुइ नंबर सब्जेक्ट हिसाब रे वर्ब हेबो। आइदर यू और ही कोन हबो, एटी कोडा सब सिंगुलर अछि, हैच हैच, आइदर यू और ही हैच क्रिएटेड, ही हिसाब रे हैच हला, ही हिसाब रे हैच हेछि, ही सिंगुलर, हैच मध्य सिंगुलर, आइदर यू और ही हैज क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट नोटिस यू डैश योर हैंड,
आई डिड नॉट नोटिस यू भार्ब कौन अच्छे ना राइज अच्छे टू राइज अच्छे राइजेस अच्छे टू राइजेस अच्छे तो यू जेहेतु अच्छे राइजेस तो केबे हेबो नाही सिंगुलर भार्ब हेबो नाही किबा टू राइजेस इट जेहेतु अच्छे हेबो नाही तो हमको केवल देखिबा को अच्छे राइज एवं टू राइज भितरे कोटा ठीक हबो जोटा हेले तो गोटे हबो न होई कि बाटो नाही तो हबो सेटा देखिबा ता पूर्वरु आपण निहादि होय चैनल को सब्सक्राइब करंतु सब्सक्राइब नियादी भावे करिबा कथा करिबा उचित कहीं ना ये कौन सी आपन को पेमेंट देवा पड़ूना कौन बहुत समय मध्य लगुना जस्ट आपण आंगूठी टीपर से लाल बटन को टच करिबार अछि आई डिड नॉट नोटिस यू देखो जिते बिल भार्बटा नोटिस थी आगे आम पढ़ी केतटा भार वाच सी एटा पढ़ी दिले लेट यही सब भार्ब रे आउ गोटे भार्ब एड हो गला कौन नोटिस यही सब भार्ब जी थी नेक्स्ट भार्ब रे टू लगे ना आई डिड नॉट नोटिस यू राइज योर हैंड हबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी बुझीपारे निहाती भाव ही इज सिटिंग डेस मी ही इज सिटिंग डेस मी ही इज सिटिंग डेस मी तुम्हें ये बसीच तुम पाखरे तुम बंधु बसी तो सेटा को आम कौन लिखा हि इज सिटिंग बिलो तुम तले से बस तुम अंडर बसी कि तुम एबोव्रे बसी कि ना बिसाइड मी मो पार्श्वरे बसी बिसाइड बी एस आई डी एस लगे से अलग मिनिंग हो इज सिटिंग बिसाइड मी से मो पार्श्वरे बसी हि केम हियर डेस विंटर हि केम हियर डेस विंटर विंटर गोटे कौन ना यहाँ गोटे सीजन गोटे ऋतुर ना वर्षा ऋतु शीत ऋतु नुह कि आउ भी किसी ऋतु अच्छी तो सब बेले कौन हम ऋतु पूर्व इन बस कौन बस ना प्रीपोजिशन इन बस हि केम हियर इन विंटर हि केम हियर इन विंटर नेक्स्ट आई सो हार डस डेस मार्च 15, 2005 आई सो हार डैश मार्च 15, 2005 प्रिपोजिशन कौन कौन दे ऑन इन एट ऑफ तो कन्फ्यूज हे तो ये आम देखा यहाँ गोटे कौन मार्च 15, 2005 गोटे कौन किसी तो गोटे निहाती भाव माइंड रे आणतु कौन से गोटे डेट गोटे तारीख है यहाँ गोटे स्पेसीफिक डेट मार्च 15, 2005 बोले स्पेसीफिक डेट आसूची कि मार्च मार्च मसर गोटे दिन कहले स्पेसीफिक डेट आसूना यहाँ तारीख स्पेसीफिक डेट तो स्पेसीफिक डेट पूर्व कौन बस ना अन् बस आई सो हार अन् मार्च 15, 2005 नेक्स्ट आई एम लुकिंग डैश ए न्यू हाउस आई एम लुकिंग डैश ए न्यू हाउस आई वुड लाइक टू लुक डैश डिस डॉक्यूमेंट तो निहाते भावे आपण गोटे लाइक करूँ मझे मझे गोटे गोटे लाइक करूँ गोटे गोटे कमेंट करूँ आई एम लुकिंग डैश ए न्यू हाउस मु गोटे नुआ घर खोजुची आई वुड लाइक टू लुक डैश दिस डॉक्यूमेंट मैंने मुझे डॉक्यूमेंट को परीक्षा करने को चाहिए एग्जामिन करने को चाहिए तो डॉक्यूमेंट तो जिते बिल जड़े दिए से परीक्षा करूँ से ठीक अच्छे कि ना मैंने से फर्जरी ना एक्चुअली रियल से कौन करूँ एग्जामिन करूँ तो ये एग्जामिन रिनिंग जोटा बुझौज से फ्रेजाल भार बस ये सार्ट को जोटा बुझौज से फ्रेजाल भार बस आई एम लुकिंग फर लुकिंग फर मान सर्चिंग लुकिंग फर मान कौन सर्चिंग लुक फर आई वुड लाइक टू लुक ओवर आ गए कौन हम ना लुक ओवर मान एग्जामिन करवा एग्जामिन केयरफुली सेटा करिले लुक ओवर हे तो बुझी जाइए निहाती भावे नेक्स्ट हि गेम मी ए बुक हियर मी इच हि गेम मी ए बुक ए मीटा कौन मीटा कौन एडजेक्टिव ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना भार्ब मी तो भार्ब केबे हो नहीं तो ऑब्जेक्ट निहाती भावे हि गेम मी ए बुक ये दुटा ऑब्जेक्ट अच्छे गोटे मी आ गोटे बुक तो जिते बिले जीवंत प्राणी को बुझेब जीवंत जिनस को बुझेब मी हिम यहाँ सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ मन रख इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउ जोटा निर्जीव वस्तु से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक है पेन है पेनसिल है तो यहाँ कौन मीटा गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
नेक्स्ट दे स्टडीड हार्ड डैश दे वेर टायर्ड दे स्टडीड हार्ड डैश दे वेर टायर्ड दे स्टडीड हार्ड ने से माने कौन कले ना बहुत पढ़िले जदि भी से माने टायर्ड थिले दे स्टडीड हार्ड इफ दे वेर टायर्ड एटा होना दो दे वेर टायर्ड दे स्टडीड हार्ड से माने बहुत पढ़िले आहुरी कठिन परिश्रम कले आहुरी पढ़िले जदिओ से माने टायर्ड थिले तो एटी कौन लागिवो ना दो लागिवो He had given a book to me. एटा को passive करिवा. He had given a book to me. तो SVO बाचिवा subject, verb, object. Subject, verb, object हेगला. तो प्रथमे कौन करिवा? SVO बाची देले. दुई नंबर काम कौन हेला? Object को लिखिवा. Object कौन होची ना? A book. ठीक होची? A book एटी लिखी देवा. A book. तबरे verb को देखिवा. Verb कौन होची? ना had given होची. Past perfect होची. पास्ट परफेक्ट थिले कौन हो हेड गिवन टा कौन हो ना हेड बीन गिवन है जो तो ए बुक हेड बीन गिवन तापरे जहाँ जहाँ थी वो लिखी देवा ए बुक हेड बीन गिवन टू मी ए बुक हेड बीन गिवन टू मी है जो ए बुक हेड बीन गिवन हेड गिवन एटा पटी भूल अछि ए बुक हेड बीन गिवन दैछि ए बुक हेड गिवन टू मी दैछि तो ऑप्शन ये ना कौन हम नए ए बुक हेड बीन गिवन टू मी नेक्स्ट सी सेड आई टुक इट होम विथ मी एटा को आम कौन कर डायरेक्ट दे इनडायरेक्ट करवा सी सेड आई टुक इट होम विथ मी तो प्रथम कथा कौन है जिते बेले भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर भारत देखा पास्ट सिंपल अच्छे सेड एटी मध्य पास्ट सिंपल अच्छे तो तापरे एटा कोनोसे रिलेवेंट कथा नुह जे टाइम रे जे टाइम रे कहला सेटा रिलेवेंट नुह सत घटना नुह हे पारे न हे पारे सेति पई एटी कोन हेबो पास्ट सिंपल जदि अछि एई भार्बटा कोन होइबो ना पास्ट परफेक्ट होइबो ना हम जानि छे बोथ केस रे बोथ भार्ब यदि पास्ट रे थिबो तो फास्ट माने टेंथ हिसाब रे फास्ट फॉर्म बा पास्ट सिंपल थिले सेटा पास्ट परफेक्ट को कन्वर्ट हुए आउ सब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज हेबो सी सेड दैट आई जगह रे कोन हेबो ना सी सेड दैट सी टू टा कोन हेबो सी हैड टेकन हेबो पास्ट परफेक्ट हेले सी हैड टेकन इट सी सेड दैट सी हैड टेकन इट विथ कोन हेबो ना हर हेबो टेकन इट होम विथ हर सी सेड दैट सी हैड टेकन इट होम विथ हर तो ऑप्शन फर्स्ट हे जेबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट यूज आर्टिकल एटी कोठे आर्टिकल लागिबो हमें लगेबा डैश मून सॉरी मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ तो आमे जानी से जोटा हेवेनली बॉडी जोटा सिंगल बॉडी जोटा सेमिति आउ नाही दुनिया रे सही जगह रे दी लागी थे मून आउ अच्छी कि ना द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सेलेस्टियल बॉडी भी कहा जाय परिबो ता पूर्वरु दी लागी थे नेक्स्ट काओ इज यूजफुल एनिमल तो ये सिंगुलर दिया है तो दि काओ इज ए यूजफुल एनिमल भी हो पार ए काओ इज ए यूजफुल एनिमल भी हो पार तो ये ए कहीं लगे देख ए काओ इज ए यूजफुल कहीं हला? ना एटा जदि आप देखिए ए ई आई ओ यू या पूर्व एन बसे जानते कितु यहीटा एक्चुअली नियम नुह नियमटा कौन उच्चारण माने अरु ओ पर्यंत जदि उच्चारण हला ताहेले एन बसे तो एटा कोन यूजफुल टाइम केमिति लिखि यू यू एमिति लिखा जाय यूजफुल तो एटा अरु ओ भितरे नाही तो सेति मै एटी ए लागिला नेक्स्ट फाइंड फाउंड फाउंड सेही परी फ्लायर कोन हबो देखो एटा फाइंड प्रेजेंट सिंपल रे दिया हिची पास्ट सिंपल रे दिया हिची एवं पास्ट पार्टिसिपल दिया हिची तो सेमिति फ्लायर कौन ही थाए फ्लाए फ्लू फ्लोन ही थाए कौन ही थाए ना फ्लाए फ्लू फ्लोन ही थाए आई एम लेट इटा क्वेश्चन टैग देखो एटी नेगेटिव ना ही माने एटी नेगेटिव लागिबो नेगेटिव को कोटा अच्छे ना एम नॉट आई आर नॉट आई दुटा अच्छे बाकी लागिबो ना एम आई आर आई कटिगला आई एम लेट तो बहुत पिला एम नॉट आई करिबे किंतु आई सहित सुबिले कौन हुए ना आर लागि थाए I am late हेले मध्य आर नॉट आई हेबो
तापर देखिबा ए लॉट ऑफ पीपल डैश प्रेजेंट द मीटिंग ए लॉट ऑफ पीपल पीपल ए लॉट ऑफ लागैछि सेंटेंस रे जदि ए लॉट ऑफ लागिला ए लॉट ऑफ ए प्लेंटी ऑफ एई सब जदि लागिला भार्बटा या सहित होइबो भार्ब एठी माने सब्जेक्ट जेमिति थिबो भार्ब सेमिति होबो ए लॉट ऑफ पीपल टा प्लुरल तो एठी कोन होबो ना आर ए लॉट ऑफ पीपल आर प्रेजेंट इन द मीटिंग स्पॉट द एरर यू एंड ही कंप्लीटेड देयर वर्क यू एंड ही कंप्लीटेड देयर वर्क यू ही कंप्लीटेड देयर वर्क तीन नंबर अच्छी एटा वन कर देबा आ जदी एरर नाही तहले फोर करबा तो कोन होबे एठी यू एंड ही कोन कोन ने तुमे एवं से कंप्लीटेड देयर वर्क हबो तुमे आउ से मिसी कारो काम करिवो तुमर काम करिवो ना सेमानकर काम करिवो तुमर काम करिवो तो सेदी पई यू एंड ही कंप्लीटेड योर वर्क हबा कथा एठी एठी कोन हबा कथा योर वर्क हबा कथा तो भूलटा सेठी अछि तापर आसला सिनोनिम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रो सिनोनिम टा कोन ऑब्जेक्टिव माने कोन लक्ष्य उद्देश्य हैला तो एठी ऑब्जेक्टिव टा कोन गोल गोल माने मध्ये लक्ष्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव रो सिनोनिम हेगला कोन ना गोल हेगला तो देखिबा तापरे तो एई टाइम लास्ट क्लास रे करी थिले तो या आपन को पई होमवर्क कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे माय फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्यूरेबल डैश ऑन अकाउंट ऑफ डैश ऑफ हिज फादर द बर्डन ऑफ द फैमिली फॉल ऑन हिज शोल्डर तो डिजीज अच्छे आ गोटे डिकीज अच्छी को जगह कौटा एप्रोप्रिएट हो सीटा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे निहाती भावे।